ऑयली स्किन, ये ब्लैक हेड एक्ने सक्स। आई नो टीनेज के टाइम पे ये सब बहुत कॉमन है एंड ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग भी है, बिकॉज एक्ने ठीक करने से पहले हमें ध्यान देना है कि एक्ने आता कैसे है, उसको कैसे रोका जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं कुछ 5 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप एक्ने को थोड़ा बोल सकते हो फक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा बी देसी ब्रो में। आर कैमन आछे ना अपनारा। पिंपल्स, एक्ने, दिस आर ए होल एंड ये आपका गेम इजीली बिगाड़ सकते हैं, आप किसी से मिलने जा रहे हो एंड इनफैक्ट ये आपका नर्वसनेस, आपका कॉन्फिडेंस भी कम कर सकते हैं जस्ट बिकॉज आपके फेस पे पिंपल्स है या आपका बहुत ही ऑयली स्किन है। एंड मैं ये सब क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सब सहन कर चुका हूँ। अभी एक्ने का सबसे बड़ा और प्राइम रीजन है कि वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से आते हैं, इसलिए टीनेज में सबको आता है। बट प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब आपका टीनेज खत्म होता है, वैसे ऑलमोस्ट 90% लोगों का एक्ने भी ठीक हो जाता है। कुछ दाग धब्बे रह जाते हैं बट वो भी टाइम रहते ठीक हो जाता है, बिकॉज आपके जो हॉर्मोन्स है वो नॉर्मल होने लगते हैं। बट जब आपके हॉर्मोन्स नॉर्मल हो गए एंड फिर भी एक्ने नहीं गया, कुछ तो रिवर्स चमत्कार हुआ है, करेक्ट? तो इस केस में आपका डाइजेशन बहुत काम आता है। अगर आपका डाइट बहुत ही ज़्यादा गंदा है, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, एकदम बाहर का जंक फूड खा रहे हो, आप अपने डाइट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, सुबह जाते हो होता नहीं है, तब यहाँ से निकलता है। दैट इज अ मेन कॉज ऑफ एक्ने आफ्टर हॉर्मोन्स। एंड ये आपको इजीली पता चलेगा जब आपके फोरहेड पे ज़्यादा पिंपल्स रहेंगे ना, उससे आप समझ जाना कि आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, इसके वजह से आपके यहाँ पे पिंपल्स आ रहे हैं। अरे यार ये तेल नहीं जा रहा है, तेल, मम्मी तेल चाहिए क्या खाना बनाने के लिए? ये जो ऑयली स्किन है ना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके एक्ने लाने का। बट ऑयली स्किन कैसे आता है? सेम, अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली फूड खा रहे हो, वड़ा पाव, समोसा पाव, जो भी दिख रहा है सब ले रहे हो, बहुत ज्यादा ऑयली प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, तो भाई यही तो। एंड ऑयली स्किन आपको बहुत ही इजीली पता चल जाता है, आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा शाइनी रहेगा, फिर आपको बार बार ऐसा लगेगा कि मुंह धो, फेस वॉश करो, विच ब्रिंग्स टू अ थर्ड पॉइंट कि आपको एक्सेस फेस वॉश नहीं करना है। एक्सेस फेस वॉश इज ऑल्सो वेरी बैड थिंग। दिन में 2 बार ठीक है, अगर आप 3 बार कर रहे हो मैक्स टू मैक्स दैट इज फाइन, बट ज़्यादा बार बार कर रहे हो कि मेरे को ऑयल हटाना है तो उससे जो आपका स्किन जो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है वो भी हट जाता है, फिर बाद में एक्ने और आते हैं। सी, आपका जो फेस है वो नेचुरली एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑयल प्रोड्यूस करता है, उसके ऊपर एक्सेस ऑयल जो होता है वो हमारे खाने और प्रोडक्ट से होता है। एंड अगर आप बार बार फेस वॉश करोगे तो ये ऑयल के साथ साथ आपके नेचुरल ऑयल्स भी चले आएंगे, तो आपके स्किन पे वो एक प्रोटेक्टिव लेयर नहीं रहेगा एंड देन एक्ने आना बहुत ही ईजी है। अब गाइस जो अगला पॉइंट है दैट इज योर फिंगर्स। बार बार ये जो हाथ है ये चीक्स पे लगाना बहुत ही गंदी बात है, बिकॉज आपके हाथ पता नहीं कहाँ कहाँ से होकर आए हैं एंड वही चीज़ आप गाल पे लगा रहे हो। नो, आपके उंगलियाँ यहाँ पे नहीं, कहाँ पे होने चाहिए पता है? इस वीडियो को एक लाइक देने के लिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। एंड गाइस द लास्ट पॉइंट इज, आप जब बाइक चला रहे हो एकदम अच्छा अच्छा हवा ले रहे हो एंड उसके साथ साथ आप डर्ट भी ले रहे हो एंड उस डर्ट से आपके चीक वाले एरिया में एंड ये जो आपके नोज के ये वाला एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स जम जाएंगे एंड वो है ना आगे आगे एक बड़ा सा एक्ने टाइप बन जाएगा। तो उसके लिए मैंने जो एक वीकेंड स्किन केयर रूटीन बनाया वो आप चेक कर सकते हो, उसमें मैंने बहुत ही ईजी वे में बताया है कि कैसे आप अपने फेस को क्लीन रख सकते हो, कैसे ये सब डार्क हेड्स, पिंपल्स, ये सब को इजीली पंच दे सकते हो। तो जाओ वो वीडियो देखो, स्किन केयर रूटीन फॉलो करो एंड धीरे 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 करके सब वैनिश। तो गाइस ये थे 5 ऐसे कॉजेस जो आपके फेस पे बहुत ही गंदे वाले ए होल वाले एक्ने लेके आते हैं। तो इस वीडियो के बाद अपना डाइट रूटीन फॉलो करो, गंदे हाथ यूज मत करो, जो फेस केयर रूटीन है उसको फॉलो करो, फिर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम बी देसी ब्रो, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।